आज हम आपके समक्ष आए हैं एक दूसरा वीडियो लेकर जो कृष्ण के जन्म पर आधारित है, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी, या यूँ कहें कि गोकुल अष्टमी, उस रोज हुआ था 5200 साल पहले। और उस चीज़ को आज हम सब बड़े ही त्यौहार पूर्वक मनाते हैं, उल्लास से मनाते हैं। देखते हैं कि मथुरा और गोकुल, इन दो जगहों का जिक्र आता है उनके जीवन से संबंधित। मथुरा में उनका जन्म हुआ, गोकुल में पालन पोषण। अब है कि कैसे ये सब हुआ, तो संक्षेप में, मथुरा के कारागार में कंस, जो कि बहुत ही पहरेदारी रखे हुए थे, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और किसी तरह बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए वासुदेव, जो उनके पिता थे, उन्होंने उनको वहाँ से ले जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुँचाया था। और नंद बाबा का गांव था कौन सा? वो गांव था गोकुल। इस तरह भगवान गोकुल जाते हैं। आगे देखते हैं कि गोकुल है कहाँ। ये है 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मथुरा, वहाँ पे है गोकुल। वहाँ पे क्या क्या किया भगवान ने, बाल लीला में ही हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्रिया और ऐसे ऐसे कारनामे उन्होंने किए। संक्षिप्त मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। पूतना, उसको उन्होंने मारा। कालिया, जो नाग और बहुत ही सिरों वाले ऐसे नाग थे, जो जितने भी वहाँ के ग्वाला थे उनको परेशान किए हुए थे, गायों का भी भक्षण करते थे। तो कालिया नाग से भगवान कृष्ण ने लोगों को निजात दिलाई। और है कि एक समय भगवान इंद्र को थोड़ा सा घमंड हुआ था, गरूर हुआ था कि यहाँ के लोग, गोकुल के लोग, उनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं। वास्तव में ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं कि उन्हीं की पूजा हो। भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों को, वहाँ के जितने भी बासिंदे थे, उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो गोवर्धन की पूजा करें। लेकिन यह बात भगवान इंद्र को रास नहीं आई। तो फिर भगवान इंद्र ने अपने प्रकोप से गोवर्धन के उस क्षेत्र में इतनी बारिश की, झंझावातों के साथ, कि लोगों को बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई। उस स्थिति में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपने उंगली पे उठा के रखा और सारे अपने जो लोग थे उनको संरक्षण दिया। और तो और, भगवान कृष्ण एक ब्रह्म हैं, भगवान कृष्ण एक देवता है, एक महामानव है। यहाँ पे उन्होंने एक जो लीला की वह तो दिव्य है। माँ यशोदा को ऐसा कुछ संदेह हुआ कि भगवान कृष्ण ने कुछ मुख में छुपा रखा है, खा लिया है, और उन्होंने बहुत जिद की कि बेटा मुख खोलो। भगवान कृष्ण मुख खोलते हैं, और जब मुख खोलते हैं तो यशोदा तो हतप्रभ रह जाती हैं, क्योंकि उसमें पूरा ब्रह्मांड उनको दिख रहा है। जितने भी, चाहे वो ग्रह हों, नक्षत्र हों, तारे हों, जो भी, सब कुछ दिखाई दे रहा है। यह पृथ्वी, यहाँ की लीलाएं, सब कुछ दिख रहा है। भगवान के इस रूप को देखकर माँ यशोदा तो एकदम विचलित हो गई, और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। और तो मेरे कहने का मतलब कि ऐसी ऐसी लीलाएं उन्होंने गोकुल में की, गोकुल के वो सितारे हो गए। अब है कि भगवान के इस रूप को हम सब पूजते हैं। और देखिए हम कैसे पूजते हैं, कि
इसका जो मुख्य समारोह वृंदावन और मथुरा में होता है। फिर हम में से कईयों जो खास करके यह हिंदू धर्म में मनाया जाता है, हम में से कई उपवास रखते हैं मध्य रात्रि तक, कि ऐसा माना जाता है कि जब तक भगवान का जन्म न हो जाए तब तक हम उपवास में रहेंगे और उनके आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। अब है कि उसके बाद क्या होता है, जब यह समझा जाता है कि भगवान का जन्म हो गया मध्य रात्रि के पश्चात, तो उन्हें किसी भी मूर्ति को या कोई भी इमेज हो घर में, तो दूध से पानी से नहलाकर वस्त्र परिवर्तित कर और फिर उनकी पूजा की जाती है। उसी समय कितने सारे जो मंदिर हैं या घरों में भी उनकी पूजाएं होती हैं। वातावरण कुछ ऐसा होता है कि चारों तरफ घंटियां बज रही है, चारों तरफ एक पर्व सा माहौल है और बूढ़े बच्चे नौजवान सभी इस चीज़ को बहुत सलीके से लेते हैं, आत्मसात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मटकी फोर, इस तरह का पर्व कि जिसमें मटकी में या तो माखन हो या फिर दूध हो या दही हो, ये डालकर और काफ़ी ऊंचाई पर ले जाके उसको बांध के रखा जाता है। फिर नौजवानों की टोली, बच्चों की टोली आते हैं और प्रयास करते हैं कि मानव श्रृंखला बनाकर पिरामिड की एक के ऊपर एक वहाँ तक पहुँचा जाए और उसको हासिल किया जाए। यह एक प्रतियोगिता होती है, इसमें जो प्रतियोगी टीम होती है उसे बहुत सारे इनाम भी दिए जाते हैं। और यह जो परंपरा है यह कहाँ से आई, तो वास्तव में भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों को लेकर जाते थे और माखन चोरी करने के क्रम में कुछ ऐसा ही किया करते थे, तो उसी को हम लोग आज पर्व के रूप में मना रहे हैं। इसके अलावे जो सिंगिंग है, गायन है, नृत्य है या और कई तरह की क्रियाएं, ये सब भी की जाती हैं। सो रिक्वेस्ट है कि बिना क्लासेस जिसके ज़रिए हम लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं, आपको कुछ आपके सामने रख पा रहे हैं, तो हमारा मनोबल, हमारा प्रोत्साहन करते रहिए। हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।